हेलो एवरीवन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू मेरी वॉइस सभी को, को आ रही है आज हम लोग बेसिकली हमारा सेशन स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओके आज के सेशन से हम लोग बेसिकली हमारी बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं ओके हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के अंदर हमारा क्या दिया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड दिया हुआ है है ना एज यू नो कि हमारा थर्ड सेम के अंदर क्या दिया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड दिया हुआ है बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारा फर्स्ट यूनिट का नाम है वो क्या है बैनजिन एंड इट्स डेरिवेटिव फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारा क्या क्या दिया हुआ है देखो जैसे बैनजिन दिया हुआ है Benzine का बेसिक इंट्रोडक्शन उसका ऑर्बिटल उसके उसके स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी चीजें हक्कल रूल हमारा रहेगा रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन बहुत सारी चीजें बेंजीन के अंदर पूछी गई है पर लेकिन ओवरऑल अगर जो मैं टॉपिक्स को हटा करके एक कॉन्सेप्ट बोलूं तो के के के, के, के बेंजीन. बेंजीन कोई नया टर्म है ऐसा है नहीं है किसी के लिए भी कोई न्यू टर्म है गुड इवनिंग ऐसा तो नहीं है कि क्या है कि कोई नया शब्द है हम लोगों के लिए बेंजीन क्या है बहुत बचपन से हम लोग जब से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं लगभग नाइन टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ हर एक क्लास में हम लोगों ने बेंजीन के बारे में कहीं ना कहीं जिक्र सुना ही है ठीक है बेंजीन के बारे में सुना है कैसे सुना देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं आप लोगों ने इस प्रकार का स्ट्रक्चर जरूर पढ़ा होगा तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमारा क्या है यही यह तो हमारा बेंजीन है ठीक है अब बस बेंजीन के हमें इसके क्या है अपडेटेड वर्जन पढ़ने अपडेटेड वर्जन इन द सेंस कि 11, टेंथ नाइन्थ ट्वेल्थ इन सब में क्या हो गया इस वाले स्ट्रक्चर से काम चल गया अब हमारे दो तीन स्ट्रक्चर क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजिन की बात हो रही है तो अब हमें क्या है इन स्ट्रक्चर्स के बारे में भी पढ़ना है ठीक है ओके बेटा चल अब देखो बेंजीन का हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी फर्स्ट स्लाइड से लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा बी फॉर्म के सिलेबस के अंदर दिया क्या क्या गया देखो सबसे पहले हमारा चार पार्ट में हमारी फर्स्ट यूनिट डिवाइड की गई है फर्स्ट यूनिट हमारी चार पार्ट में डिवाइड की गई है ओके चार पार्ट इन द सेंस कौन कौन से

इसके पोर्शन जो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म रहता है हमारा क्या रहता है हमारा ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और हमारा क्या सेकेंड टर्म हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन ये दोनों रिएक्शन हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंड यूनिट के अंदर हमारी ये दोनों रिएक्शन जो हमारी फर्स्ट यूनिट का सेकेंड पार्ट है ना रिएक्शन ऑफ एंजिन ये दोनों रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है

लास्ट वन क्लोरामाइन डीडीटी सैक्रिन बीएचसी एंड क्लोरामाइन ठीक है चारों के हमें क्या है स्ट्रक्चर पढ़ने हैं इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने और उनके यूजेस पढ़ने हैं बस इसके अलावा हमें और इसका कुछ नहीं देखना है। डीडीटी में क्या रहेगा जैसे डीडीटी की फुल फॉर्म होती है आपसे जब वाइवा आपका एक्सटर्नल लेने आएगा बहुत मार पूछते रहता डीडीटी की फुल फॉर्म बताओ पेपर रखा रहता है उसके सामने आपसे पूछेगा डीडीटी का स्ट्रक्चर बना के बताओ भाई पढ़ेंगे तो सारी चीजें पता रहेंगी नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं पता रहेगा क्या बोलना पड़ेगा सॉरी सर ठीक है जय हिंद बेटा गुड इवनिंग तो ये सारी चीजें रहेंगी अब भाई हमें डीडीटी और मैं मेरे से पूछा गया एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन पूछा कि डीडीटी की फुल फॉर्म बताइए डीडीटी का मतलब क्या है ठीक है bsc के फुल फॉर्म बता ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड स्ट्रक्चर बनाइए स्ट्रक्चर भी बना देंगे तो वो सारी चीजें हम लोगों को इस यूनिट के अंदर ये पूरा फर्स्ट यूनिट के अंदर दिया गया ये ओवरऑल हमारा इंट्रोडक्शन हो गया किसका फर्स्ट यूनिट का ठीक है ओके okay? चलो इसके बाद में हमारा देखो हमारा आ जाता है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बेंजीन बेंजीन का इंट्रोडक्शन पार्ट आ जाता है बेंजीन का इंट्रोडक्शन पार्ट बिल्कुल इजी है

पर हम लोगों ने क्या देखा एक और चीज हम लोगों ने बेंजीन के स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व की कि बेंजीन के पास में ये तीन ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी तो है सॉरी ऑर्बिटल ये ये के, तो 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 के, के पास में जो बेंजीन की कमाई है वो क्या हुई नंबर ऑफ कार्बन एटम सिक्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सिक्स और नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड थ्री तो यानी कि बेंजीन इज एरोटिक कंपाउंड और हमारे बैंजिन का स्ट्रक्चर हम बचपन से ये वाला बनाते आ रहे थे अब हम लोग ये दोनों स्ट्रक्चर मोस्टली यूज करेंगे क्यों क्योंकि हम लोग रेजोलेंस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं सब्सिडेंट के इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हमें क्या पढ़ना है मेटा पैरा पोजिशन के बारे में पढ़ना है अब इन पोजिशन के अकॉर्डिंग हमारे बोन्ड्स डिसाइड होते हैं तो वो सारी चीजें रहेगी ठीक है समझ में आ रहा है यस और नो समझ में तो आ रहा है ना सभी के चल अब हम लोग डेफिनेशन पोर्शन रीड कर लेते हैं बैंजिन एंड ऑल दूस कंपाउंड विच रिजेंबल बेंजिन इन देयर केमिकल बिहेवियर एंड टर्म एज एरोमेटिक इसको आर कर लेना आर या फिर जो कोई भी कंपाउंड जिसके केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है ऐसे कंपाउंड या तो बेंजीन खुद या फिर जिस कंपाउंड की स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है जैसे मैं आपको एग्जांपल दू हमारा मिथाइल बेंजीन का या फिर मैं आपको एग्जांपल दू इसके अंदर फिनोल का

C6H6 मतलब ये क्या है बेंजीन हमारा क्या है एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहता है C6H6 ओके okay? आगे क्या बोला गया इट कंसिस्ट ऑफ सिक्स कार्बन एटम सिक्स हाइड्रोजन एटम एंड थ्री कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हमारे बेंजीन के अंदर क्या सिक्स कार्बन एटम सिक्स हाइड्रोजन एटम एंड थ्री कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं और बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे ये है ये हमारे तीन प्रकार के स्ट्रक्चर है किसके हमारे बेंजिन के ठीक है क्लियर होता है यस और नो जल्दी बताओ राइट डाउन चैट सेशन मजा आ रहा है पढ़ने में नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ बेंजिन का जल्दी बताओ क्विकली जल्दी बोलो चल। ओके

क्यों तो हम लोगों ने जब सेकंड सेम के अंदर पढ़ा था आईयूपीएसी के बारे में तो मैंने आपको क्या बताया था आईयूपीएसी के बारे में कि आईयूपीएसी किस चीज के भाई हमारे इतने ज्यादा लाखों करोड़ों कंपाउंड्स हैं अब हर किसी का स्पेसिफिकली नेम एक क्या है नेम रखना नेम रख दे ऐसे फिक्स कर देना जैसे मैं बोलूं आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं बच्चे तो क्या यह जरूरी नहीं है कि 60 के 60 का नाम सबके लर्न हो जाए राई राजू शामू मोनू गो, गोलू पोलू जो भी नाम है सभी का सबका नाम डिफरेंट हो सकता है ठीक है प्रोबेबिलिटी बनेगी यानी कि साठ के साथ के नाम अलग रहेंगे ठीक है तो हम साठ के के बच्चों के नाम तक याद करना इतने डिफिकल्ट है और कंपाउंड तो हमारे लाखों करोड़ों है तो उनके नाम पर्टिकुलरली नाम लिखने का तरीका एक हमारा लॉन्च हुआ जिसको हम आई पी एस सीमन क्लेचर बोलते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग

के लिए? के लिए हम क्या कर रहे हैं अपना बेसिकली हमारा मतलब, मतलब, क्या देखो आप लोग देखोगे यहां पे हर एक बैंजिन के साथ में केवल एक सब्सिट्यूंट ग्रुप अटैच है ऐसा नहीं है कि केवल एक प्लेस में मतलब ऐसा नहीं है कि इधर भी अटैच है बस मोनो का मतलब क्या हो गया एक डाई का मतलब क्या होता है दो ट्राई का मतलब क्या होता मतलब है हो तीन

अब प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं ये भी समझना जरूरी है भाई प्रीफिक्स मतलब होता है हमारा हो, मतलब जो पहले यूज हो और सफिक्स मतलब जो बाद में यूज हो रहा हूं तो हमारा जो ये यहां पे नॉमन क्लेचर लिखा है क्या है सफिक्स वाला है यानी कि बेनजिन यहां पे हमारा क्या है बाद में यूज हो रहा है ठीक है आ जाओ

देखो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि इस वाले कंपाउंड का हमारे नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रोबेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा केमिकल फॉर्मूला व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोबेजिन राइट डाउन एंड चैट सेशन फटाक से नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रोबेंजीन का केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा सिक्स एच फाइव एन उसने बोला सी सिक्स एच फाइव एन ओ टू और बताएगा? Anyone? जल्दी बोलो और, और कौन बताएगा सी सिक्स एच फाइव एन टू बिल्कुल सही बात सी सिक्स एच फाइव एन क्योंकि हमारा बेंजीन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि हमारा कोई भी सब कोई भी सब्सिटेंट ग्रुप अगर जो आके अटैच होता है तो वहां से क्या कर देता है एक को कर देता है, ठीक है तो मतलब क्या हुआ भी आके अटैच हो रहा है तो मतलब यहाँ से क्या किसका रिमूवल होगा हमारा यहाँ से हमारा हाइड्रोजन रिमूव आउट हो जाएगा अब हमारी बेंजीन के फॉर्मूला हमें ठीक है हमें पता फॉर्मूला ये होता है अब कोई भी सबस्टूडेंट आगे अटैच हुआ तो एक हाइड्रोजन हट गया तो सिक्स माइनस वन कितना फाइव हाइड्रोजन बचेंगे जिसको समझ में नहीं आया होगा कैसे फॉर्मूला लिखते हैं तो सी सिक्स एच फाइव और हमारा कंपाउंड क्या आकर अटैच हुआ सबस्टूडेंट हमारा ए आकर अटैच हुआ तो हम उसका नाम लिखते हैं ऐसे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ठीक है हाँ सी सिक्स बिल्कुल सही बात ओके अब हमारा ये यह देखो यहां पे हमारा क्या था बेंजीन एज एन सफिक्स यूज हो रहा था अब जो हमारा नेक्स्ट नोवन के लेक्चर आएगा यहाँ पे हमारा prefix use होगा. Prefix कि हमारे पहले यूज होगा Benzine हमारा पहले होगा जैसे पे क्या इन सब्स्टिट्यूएंट इज रिटन आफ्टर बेनजिन यानी कि यहां पे क्या, का एज एन सफिक्स वर्क करेगा बेनजिन एज एन प्रीफिक्स वर्क करेगा जैसे मैं यहाँ पे एन अन, टू सी एल की बात करूं तो बेनजिन डायनियम क्लोराइड

तो हमारे कुछ कंपाउंड्स रहते हैं जिनका क्या है स्पेसिफिक नेम रहता है ठीक है जैसे हमारा क्या है देखा एन एस टू हमारे बेंजिन के ऊपर एन टू अटैच है हमारा बेंजिन के ऊपर सी थ्री अटैच है कोई बताएगा इनका नाम क्या होता है इसका नाम कोई बताएगा सी सिक्स एच फाइव टू इसका नाम बताओ राइट डाउन चैट सेशन फटाक से जल्दी बोलो इसका नाम क्या है सी सिक्स एच फाइव टू इसका नाम क्या है एनिलीन चलो अब इसका नाम बताओ सी सिक्स एच फाइव सी एच थ्री सी सिक्स एच फाइव सी एच थ्री सी सिक्स एच फाइव सी एस थ्री का नाम जल्दी टोलविन चलो चलो हमने टोलविन बोल दिया इसका अगर जो मैं इसका अगर जो मैं इसका नेम पूछू स्पेसिफिक नेम ना पूछू स्पेशल नेम ना पूछू नॉर्मल नेमिंग करी जाए तो सी सिक्स एच फाइव सी एस थ्री का नाम क्या होगा अगर जो मैं इसकी नॉर्मल नेमिंग की बात करूं तो इसका नाम क्या होगा जल्दी बताओ फटाक से चैट सेशन में जल्दी से अगर जब मैं इसकी नॉर्मल नेमिंग की बात करूं। ये तो स्पेशल नेम हो गए टोलविन अगर जब इसका नॉर्मल नेम लिखूं तो उसका नाम क्या होगा सी सिक्स एच फाइव सी एस थ्री का नाम क्या होगा मिथाइल बेंजीन वेरी गुड महेश वेरी गुड श्रद्धा वेरी गुड ठीक है ओके नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हमारा नेक्स्ट क्या आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजिन ठीक है अब देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे बेंजीन देखो हमारा कहीं किन्हीं केसेस में हमारा बेंजीन क्या होता है सेचुरेशन फॉर्म शो करता है कहीं कहीं पे बेंजीन हमारा क्या अनसेड फॉर्म शो करता है

सेचुरेटेड हेक्सेन क्या बोला गया कि भाई देखो हमें पता है क्या पता है हम लोगों को कि बेंजीन क्या है हमारा देखो हम लोगों को क्या पता है कि बेंजीन जो बेंजीन है भाई बेंजीन का फार्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने C6H6 पढ़ा ठीक है तो मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ बेंजीन के पास में 6 हाइड्रोजन और 6 कार्बन एटम है तो क्या है कि बेंजीन हमारा किसका कोरिस्पोंडिंग बोला गया हमारा यहां पे देखो कोरिस्पोंडिंग सैचुरेटेड हेक्सेन सैचुरेटेड हेक्सेन का कोरिस्पोंडिंग बोला गया है हेक्सेन का फार्मूला क्या होगा देखो फॉर्मूला आप लोगों ने एल्केन एल्कीन एल्काइन का जैसे एल्केन का फॉर्मूला लिख लो तो उसका जर्नल फॉर्मूला क्या रहता है Cn H2n+2 ठीक है तो हेक्सेन बोला गया हेक्स मतलब कितने नंबर पे आएगा हेक्स कितने नंबर पे आएगा सिक्स नंबर पे तो यानी कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए 6 अब फॉर्मूले में पुट कर दो तो, देखो तो 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 मैं आपको बनाना भी सिखा रहा हूं कैसे करेंगे C6 H2 6 2 तो क्या हो जाएगा हमारा नॉर्मली सी सिक्स एच फोर्टीन हो जाएगा ठीक है सी सिक्स एच फोर्टीन हो जाएगा पर लेकिन यहाँ पे हमारा क्या रहेगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने रहेंगे? ट्वेल्व रहेंगे क्योंकि हमारा क्या है साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होगी क्योंकि यहां पे हमारी क्या होगी साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होगी तो हेक्सेन हमारा कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी हमारी ठीक है यहाँ पे हर एक कार्बन के साथ में हमारा क्या अटैच है कार्बन के साथ में नंबर ऑफ टू हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो सी सिक्स एच टाइम तो वर्जन हमारा क्या ठीक है हाँ, साइक्लोहेक्सेन बिल्कुल सही बात ठीक है तो ये चीजें यहीं पे बोली गई है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा क्या रहता है सी सिक्स एच ठीक है बेटा हाईली अनसे कंपाउंड इसका मतलब क्या हुआ बैनज क्या है हाईली अनसे कंपाउंड है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है केवल हमारे एलकेन हमारे सेचुरेटेड रहते हैं जो डबल बॉन्ड कंपाउंड हमारे कंटेन करते हैं ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करते हैं वो हमारे अनसे रहते हैं ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने सेकेंड सैम के अंदर जब आप लोग पड़े होंगे कॉन्जुगेटेड डाइन पड़े होंगे आप लोगों को एलकेन पड़ोंगे एल्किन पढ़ोंगे सेकंड यूनिट के अंदर बी सेकंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ा होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एल्किन एल्काइन मतलब क्या हुआ बेंजीन हमारा क्या हुआ हाईली अनसेड कंपाउंड क्योंकि बेंजीन के पास में तो तीन तीन बोन प्रेजेंट है ओके okay? तो हमारा क्या हुआ वेरियस ऑब्जर्वेशन ऑल्सो सपोर्ट दिस फैक्ट अब जो ये बेनजिन क्या हाईली अनसेड कंपाउंड है इसको हमारे बहुत सारे हमारे क्या है फैक्ट्स भी है इसके रिलेटेड कि हमारा बैंजिन कंपाउंड ही होता है जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बोलू सबसे तो पहला कैन टेक मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकिल और प्लेटिनम टू फॉर्म साइक्लोहेक्सेन जैसे क्या है कि हमारे क्या है अगर जो थ्री थ्री मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस हमारे पास में प्रेजेंट है यानी कि थ्री मोलिक्यूल्स ऑफ H2 हमारे पास में प्रेजेंट है और अगर जो तो मैं उसकी रिएक्शन बेंजिन के साथ में करा रहा हूं तो यहां से किसकी प्रेजेंट में हमारे की में जैसे तो और हमारा कितना टेम्परेचर क्या रहेगा फोर सेवन थ्री टू फाइव ट्वेंटी थ्री कैल्यून और यहां से हमारा तुरंत क्या बना देगा बेंजिन हमारा साइक्लोहेक्सेन बना देगा तुरंत हमारे क्या कर देगा डबल बॉन्ड को रिलीज कर देगा ठीक है ये हमारा क्या शो करता है अनसेचुरेशन शो करता है किसका हमारा बेंजीन का उसके बाद में सेकंड हमारा क्या आ जाता है इसके अंदर सेकंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बेंजीन रीडली ऐड थ्री मोलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन टू तो फॉर्म साइक्लोहेक्सक्लोराइड क्या बोला गया यहां पे कि क्या है अगर जो हमारा क्या है सनलाइट की प्रेजेंस भी यानी कि यूवी रेज की प्रेजेंस में अगर जो मैं बेंजीन की रिएक्शन अपने क्लोरीन के साथ में यानी कि Cl2 के साथ में करा रहा हूं तो यहां से मेरा क्या बन जाएगा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बन जाएगा यानी कि BHC बन जाएगा जो कि हम लोगों को फोर्थ पॉइंट के अंदर फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ना है जहां पे हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डीडीटी क्लोर क्लोरामाइन हमारा है ना सैकरीन बीएससी ये सब दिया है ना ओके okay? ये रहेगा हमारा उसके बाद में हमारा तीसरा फैक्ट क्या रहेगा हमारा बेंजीन फॉर्म ट्राई ओजोनॉइड ऑन रिएक्शन विद ओजोन जब हमारा क्या बेंजीन किसके साथ? साथ में ओजोन तो तो के रिएक्शन कर रहा है तो क्या कर रहे हैं है। आप लोग ये सोच रहे हो कि सर यहाँ पे तो सब्सिडेंट आगे अटैच हो रहा है तो आपने हाइड्रोजन कम क्यों नहीं किए बेटा हाइड्रोजन कम इस वजह से नहीं किया क्योंकि बैंजिन ने अपने क्या कर दिया अपना डबल बॉन्ड ही लूज कर दिया कैसे देखो ये मेरा बेंजिन का स्ट्रक्चर है ठीक है सिंपल वे में इस प्रकार से समझो आप इसको जैसे मैं यहां पे बात करूं कि मेरा ये का सिंपल स्ट्रक्चर ओके अब मैंने क्या किया थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ सी एल क्योंकि मैंने रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ सन सनलाइट है ना तो यहां से मेरा क्या बनेगा मेरा कंपाउंड कुछ इस प्रकार से बनेगा बेटा जी इसने क्या कर दिया अपना डबल बॉन्ड तो लूज कर दिया यहाँ से लॉस कर दिया डबल बॉन्ड का तो और यहाँ से क्या लिया है ये एक पे h रहेगा एक पे cl hcl 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 h और cl ठीक है तो इस वजह से इसका फार्मूला क्या आ रहा है c6 h6 cl6 या नाम क्या होगा इसका बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्लियर होता है समझ में आया बेटा ज्वाइन तो हो गए क्लियर हुआ बताओ जल्दी से ठीक है तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस तरीके से हमारे क्या अनसेचुरेशन फॉर्म करता है हमारा कौन बेंजीन उसके बाद हमारे कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट हैं जो बेंजीन को सेचुरेटेड कंपाउंड बताते हैं कुछ हमारे ऐसे भी कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे बेंजीन को सेचुरेटेड कंपाउंड्स भी बोलते हैं ठीक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में आज हम लोग क्योंकि पहला सेशन है ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे ठीक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में कि हमारा कंपाउंड कैसे फॉर्म हो रहा है वो तो हम लोगों ने देख लिया पर किसी केसेस में हमारा बैंजिन सेचुरेटेड कंपाउंड भी रहता है तो वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे पर लेकिन आज हम लोग छोटा सा सेशन करते हैं कल से हम लोग एक घंटे का सेशन लेंगे कोई दिक्कत नहीं है पर मुझे एक बार चैट सेशन में आप लोग अपना थोड़ा सा ये बता दीजिए कि आपको सेशन ये कैसा लगता है आपको ये क्लास कैसी लगी मजा आया नहीं आया थोड़ा सा मेरे को जल्दी से एक बार चैट सेशन में बता दीजिए कैसी लगी आपको क्लास प्लीज एक बार अपना फीडबैक दे दीजिए जल्दी से कल से नौ बजे नो नाइन ओ क्लॉक नाइन पीएम आप लोगों को इधर मेंशन भी किया गया है यूट्यूब डेली लाइव नाइन पीएम यूट्यूब की लाइव हमारी डेली रहेगी नाइन पी एम हम लोग यही मिलेंगे सेम 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 टाइम जगह यूट्यूब पे ओके बेटा आपका अगर जो सिलेबस के अंदर डिप्लोमा के अंदर अगर जो बेंजीन सब्जेक्ट दिया टॉपिक तो तो दिया है तो आपका डिप्लोमा में भी यही थ्योरी काम आ जाएगी ठीक है बेटा ओके okay, हम लोग आज बस केवल अपना इंट्रोडक्शन ले लेते हैं बस और कुछ नहीं करेंगे ओके okay, बेटा आज का सेशन तो करते है, फिर यहीं पे होप सो आपको सेशन अच्छा लगा होगा और जो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना वीडियो को को लाइक कर कर देना देना और अपने फ्रेंड्स भी इन्फॉर्म कि लाइव हो रही है नौ बजे से डेली आप लोगों की जिसके लिए आपको कोई भी पे नहीं करना है ठीक है आप लोग सीधा अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा ओके थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू बाय बाय